नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 26 जुलाई सोमवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। बीकानेर के श्री कोलायत थाना क्षेत्र से करीब 50 किलोमीटर दूर दासुड़ी गांव में रविवार को तालाब में नहाने गई 4 लड़कियां डूब गई। इसमें से 2 को बचा लिया गया, 2 की मौत हो गई। नहाने के लिए बुआ भतीजी सहित 4 लड़कियां तालाब में उतरी थी। बुआ भतीजी कुछ आगे चली गई, इनको बचाने के लिए अन्य 2 लड़कियां भी आगे बढ़ी पर वो खुद डूबने लगी। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने 2 को बचा लिया लेकिन बुआ भतीजी की मौत हो गई। घटना के बाद से गांव में सन्नाटा पसरा है। पुलिस ने बताया कि पिछले दिनों हुई बारिश के बाद लबालब तालाब भरा हुआ था। रविवार को 18 वर्षीय छैनू कंवर और 16 वर्षीय ज्योति कंवर अपनी 2 सहेलियों के साथ नहाने चली गई। इस दौरान ज्योति और छैनू का पैर फिसल गया, दोनों डूबने लगी तो चिल्लाई। साथ में नहा रही लड़कियों ने बचाने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुई, उल्टा वो खुद डूबने लगी। 28 जुलाई को राजस्थान में मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें शुरू हो गई हैं। राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रभारी अजय माकन ने सभी विधायकों को 28 जुलाई को जयपुर में ही रहने के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में विधायकों और पदाधिकारियों के साथ हो रही बैठक में दिए। कांग्रेस में जारी खींचतान को खत्म करने के लिए बुलाई गई विधायकों और पदाधिकारियों की बैठक के दौरान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा हुआ। सचिन पायलट के समर्थकों ने उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी की। जब इसकी जानकारी बैठक में मौजूद सचिन पायलट को दी गई तो उन्होंने अपने समर्थक नेताओं को बाहर भेजकर कार्यकर्ताओं को शांत कराया। हंगामे के समय गहलोत मीटिंग में नहीं थे। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भूस्खलन के बाद पहाड़ी से चट्टानें इतनी तेजी से नीचे गिरी कि बसपा नदी का पुल टूट गया। इस हादसे में 9 टूरिस्ट की मौत हो गई है, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मरने वालों में 4 राजस्थान, 2 छत्तीसगढ़ के और 1 महाराष्ट्र और वेस्ट दिल्ली के थे। 1 मृतक के राज्य या शहर का पता नहीं चल पाया है। पर्यटक ट्रैवल गाड़ी HR55AG9003 से शिंदकुल से सांगला की ओर जा रहे थे, तभी बटसेरी के गुंसा के पास पुल पर चट्टाने गिरने से पुल टूट गया और पर्यटकों की गाड़ी बसपा नदी में जा गिरी। पुलिस ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रेम प्रसंग में एक प्रेमी सौरभ नामक युवक ने निमर्मा हत्या करने का मामला सामने आया है। उसके बाद प्रेमी के परिजनों ने प्रेमिका के घर के सामने ही उसके चिता को अग्नि दी है। युवक की लाठी डंडे से लोहे की रॉड से पीट पीट कर निमर्मा हत्या कर दी गई, साथ ही प्राइवेट पार्ट भी काट लिया गया। घटना जिले के कांटी थाना इलाके के रैपुरा, रामपुर सा और सोनवर्षा गाँव की है। हत्या की इस घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी पूरे परिवार के साथ घर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि लड़का लड़की का प्रेम प्रसंग 1 साल से चल रहा था लेकिन युवती के घर वालों को यह स्वीकार नहीं था तो युवक के पिता ने युवक को बाहर भेज दिया था लेकिन वह अपनी बहन की शादी में आया हुआ था, जो युवती के परिजनों को रास नहीं आया और उन्होंने उसकी हत्या कर दी। पुलिस छानबीन में जुट गई है। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी 12वीं के रिजल्ट के बाद अब कॉलेज में एडमिशन के लिए जद्दोजहद करना होगा। बेहतर रिजल्ट होने के कारण आवेदन करने वालों की संख्या भी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए कट ऑफ परसेंटेज भी हाई रहने की उम्मीद है। ऐसे में स्नातक प्रथम वर्ष में एडमिशन के लिए मारामारी की स्थिति बननी तय है। अगस्त के पहले सप्ताह में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के आसार हैं। सीटों को बढ़ाए जाने को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने अभी कोई निर्णय नहीं किया है लेकिन ज़रूरत पड़ने पर सीटें बढ़ाने की बात कही जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग के अधीन प्रदेश में 311 सरकारी कॉलेज हैं जहां पर स्नातक प्रथम वर्ष में 1,91,271 सीट है। इसके अलावा प्रदेश में करीब 1,000 से ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज भी हैं, इनमें 2,00,000 से ज़्यादा सीटें हैं। 12वीं का रिजल्ट घोषित होने के बाद कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होती है। कोटा जिले के मोडक थाना क्षेत्र में एक शिक्षिका ने पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि मृतका की पहचान अर्पिता सैनी निवासी मंगलम कॉलोनी के रूप में हुई है। पति के ड्यूटी जाने के बाद शिक्षिका ने फांसी लगाई। विवाहिता के परिजनों के अजमेर से आने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। वेस्ट बंगाल की युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। इसका वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी गई। शादी का झांसा देकर युवक अपने दोस्तों के साथ बार बार गैंगरेप करता रहा, गले में माला डालकर शादी का नाटक भी किया। उसे जयपुर में लाकर किराए के मकान में रखने लगा, 5 बार गर्भवती हुई, बार बार गर्भपात करवा दिया। बाद में एक बेटे ने जन्म लिया तो उससे मारने पीटने लगा, जयपुर छोड़कर जाने की धमकी देने लगा और 10 लाख रुपए मांगने लगा। अब परेशान होकर युवती ने जयपुर के चित्रकूट नगर थाने में आरोपी युवक प्रसन्न
मनजीत के खिलाफ मारपीट, दुष्कर्म, गर्भपात करवाए जाने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राजस्थान में भारी बारिश के बीच उदयपुर, कोटा और जयपुर भरतपुर संभागों में बारिश की चेतावनी जारी हुई है। उदयपुर, कोटा, जयपुर भरतपुर में आज तेज बारिश और बिजली गिरने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। इधर तेज बारिश के कारण हनुमानगढ़ में घग्गर नदी उफान पर आ गई है। नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी बहने के कारण लोग भद्रकाली मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं जा सके। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आज 26 जुलाई को कोटा, जयपुर व भरतपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की आशंका है। इनमें झालावाड़, कोटा, बूंदी, करौली, दौसा, अलवर जिलों में एक दो स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान है, जबकि सवाईमाधोपुर व 12 जिलों में एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की आशंका है। बीकानेर और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं हल्के से मध्यम बारिश 26 से 27 जुलाई को होने के आसार हैं। पिछले 24 घंटों में प्रतापगढ़, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। राजस्थान के भरतपुर एसीबी की टीम ने उत्तर प्रदेश पुलिस के दरोगा को 30,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी से मिली जानकारी के अनुसार दहेज के मामले को रफा दफा करने की एवज में आरोपी ने 1,00,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। परिवादी राजवीर सिंह से भुसावर थाना क्षेत्र के गाँव तरगमा में आरोपी रिश्वत की रकम लेने आया था। एसीबी के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी उत्तर प्रदेश के थाना मगोरा में तैनात है। जोधपुर जिले के फलौदी के भोजासर थाना क्षेत्र के चापासर बुंगड़ी गांव में गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दिए जाने की जानकारी सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार जेसीबी चालक मुकेश गुर्जर ने जेसीबी मालिक जीवनराम माली की मामूली कावसुनी को लेकर गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी मुकेश का अपने जेसीबी मालिक के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। आवेश में आकर मुकेश ने जीवनराम को गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.